स्टूडेंट नाउ कम टू द थर्ड लेसन ऑफ जीके। आज हम जीके का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट एनर्जी। एनर्जी की हमें जरूरत क्यों होती है और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। विदाउट एनर्जी आप कैसा फील करते हैं? अगर आपने फूड नहीं खाया, आपने वाटर नहीं लिया, तो आपको लेजीनेस फील होने लगती है। कोई भी वर्क, कोई भी स्टडी आप अच्छे से नहीं कर सकते विदाउट एनर्जी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड जब हम खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है और तभी हम अपने सारे वर्क अच्छे से कर पाते हैं। तो आज जो लेसन है, आज जो चैप्टर है, उसका नाम है फूड साइकिल, यानी कि फूड के टर्म्स के बिहाफ पर हम पूरे चैप्टर्स को आज कवर करेंगे, पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली वी हैव टू नो जो एनर्जी होती है, हम उसको एनर्जी ले लेते हैं, फिर वो एनर्जी कहाँ जाती है? इट मीन हम उस एनर्जी को क्या करते हैं? पास ऑन करते हैं अनदर पर्सन के थ्रू। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक ग्रास है, ग्रास जो घास होती है, उस टर्म को उसे कौन खाता है? ग्रास ओपर खाता है, जिसे हम हिंदी में टिड्डा बोलते हैं। वो क्या खाता है? ग्रास खाता है, यानी कि ग्रास ओपर का जो फूड होता है, जो एनर्जी लेता है, वो किसे लेता है? ग्रास से लेता है। इसके बाद ग्रास ओपर का जो ग्रास ओपर अपनी सारी एनर्जी किसे पास ऑन करेगा? इट मीन्स फ्रॉग इसको खाएगा, और फ्रॉग इसको ईट करने के बाद उसकी एनर्जी सारी ले लेगा। तो फ्रॉग का जो फूड है वो कौन है? ग्रास ओपर है। इसके बाद फ्रॉग को भी कोई ना कोई खाएगा। कौन खाएगा इसको? स्नेक। इसको स्नेक इसको ईट करेगा, यानी कि इट मीन्स स्नेक का जो फूड है वो कौन है? फ्रॉग है। अब स्नेक को भी कोई खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। ईगल इसको ईट करेगा, इट मीन्स ईगल का जो फूड है वो स्नेक है। ये जो पूरा प्रोसेस है, पहले ग्रास, ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, इट मीन्स ये अपनी एनर्जी को पास ऑन कर रहे हैं। इसी के थ्रू हम भी अपनी एनर्जी को पास ऑन करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? फूड चेन। अब इसके अलावा भी हम दो तीन टर्म के बारे में जानेंगे। इट मीन्स क्या होता है, कभी कभी हम सिर्फ प्लांट्स, हर्ब्स, इन चीजों को ही खाते हैं, और कुछ ऐसे भी ह्यूमंस होते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ही ईट करते हैं। अब उनके लिए भी अलग अलग वर्ड्स, टर्म्स यूज होते हैं। इट मीन्स हम उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कार्निवोरस, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कार्निवोरस इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ईट करते हैं, एनिमल्स को ही खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस, लेट कम टू द हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जैसे कि नाम से पता लग रहा है, हर्ब्स, इट मीन्स जो हर्ब्स खाते हैं। एग्जाम्पल लाइक मी, मैं खुद क्या करती हूँ, मैं हर्ब्स खाती हूँ, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, ओनली ये चीजें खाती हूँ, मीट और एनिमल्स वगैरह मैं नहीं खाती हूँ। इट मीन्स मैं किस कैटेगरी में आती हूँ? मैं बिलोंग करती हूँ हर्बीवोरस की कैटेगरी में। नेक्स्ट टू द, लेट्स कम टू द ओमनीवोरस। ओमनीवोरस इट मीन्स जो दोनों चीजों को ईट करते हैं, इट मीन्स जो मीट को भी खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, और हर्ब्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, इन दोनों चीजों को खाते हैं, इट मीन्स मिक्सचर खाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहते हैं। आप समझ गए होंगे, कार्निवोरस इट मीन्स जो सिर्फ एनिमल को ईट करते हैं। सेकेंड वन इज दैट हर्बीवोरस, जो केवल सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स को, प्लांट्स को ईट करते हैं। आफ्टर दैट लास्ट वन इज दैट ओमनीवोरस, जो दोनों को ही ईट करते हैं, उनका मिक्सचर। अब हम थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में जानते हैं कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो करते हैं लाइक अगर हम प्लांट्स को उठा के रूम में रख दे, बंद कर दे उसे, क्या वो ग्रो करेगा? बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा, वो अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रो करने के लिए प्लांट्स को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। इट मीन्स उसे वाटर की भी जरूरत होती है, हम वाटरिंग करते हैं ना प्लांट्स में, तभी वो ग्रो करते हैं। हम उनको सनलाइट में रखते हैं, इट मीन्स उन्हें सनलाइट की बहुत जरूरत होती है। अभी हम थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं उनको क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। लेट्स, ये मैंने एक छोटा सा प्लांट बनाया आपको समझाने के लिए। ये लाइक एक प्लांट है, उसके लिए उसको वाटर की जरूरत होती है, जो उसकी जड़ों में जाती है और उसको अच्छे से फूड बनाने में हेल्प करती है, इसके थ्रू ही अपना फूड बनाते हैं। उसको सनलाइट की जरूरत होती है, जो सन से मिलती है, वो सनराइज सनलाइट को लेती है और उसे अपने फूड को बनाते हैं। और वन मोर थिंग, ऑक्सीजन को, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। आपने सुना होगा हम ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं इस तरीके से, तभी हम ब्रीथिंग कर पाते हैं। प्लांट्स के साथ उल्टा है, प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इट मीन्स वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब ये अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसा कि पता लग रहा है कि फूड तो कहीं और किसी और का, ये इस तरह से इस प्रोसेस में किस तरह से आगे बढ़ेगा, अपना फूड बनाएगा, अपनी एनर्जी बनाएगा, इट मीन्स इसके लिए कोई फूड नहीं बना रहा है। ये फोटोसिंथेसिस की तरह, ये एक टर्म होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक प्लांट अपने फूड बनाता है।
यानी कि जो प्लांट अपने फूड को बनाने हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ रहा होगा कि ये टर्म कब यूज होता है, जब प्लांट अपने ये प्रोड्यूसर होते हैं। प्लांट क्या होते हैं, अपने प्रोड्यूसर होते हैं। हमने प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि अपना फूड खुद से बनाते हैं। किसके थ्रू, वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के थ्रू, इन सब के मिक्सचर के थ्रू ये अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं, अपने फूड को बनाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच।